गाइस रेडी हो गए। मेरी बहन को मेरी माँ क्या लगा रही है देख लीजिए, गजरा। नाइस। ये दौरा को भी हम लोग घाट पे लेके जा रहे हैं। इसी का अंदर सूप है जो आप लोग देखे होंगे लास्ट व्लॉग में, इसी के अंदर सारा सूप सब रखा हुआ है। इसी को जाके घाट पे सजाएंगे और फिर मम्मी लोग यही सूप से अर्घ देगी। मैक्सिमम लोग घाट जाता है या फिर नदी, बट हम लोग के छत पे ही हम लोग घाट बना लिए हैं, तो हम लोग अभी छत जा रहे हैं, वहाँ पे सारा सूप को सजाएंगे, उसके बाद फिर पूजा चालू होगा। दौरा लेके ऊपर आ चुके हैं गाइस, अब अर्घ चालू होगा। घाट के सामने दौरा रख दिए हैं, घाट भी सजा दिए थे डैडी, वो वाला जो घाट में है। हर साल हम लोग फूल लगाते हैं और ये फुहारा भी उसी में रहता है। डैडी भी पूरा घाट को जो सजा दिए और दौरा भी रखा गया, तो अब थोड़ा देर में मम्मी लोग आके अर्घ देना चालू करवाएगी। घाट जाकर सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम रहता है कि दौरा खोल के सारा सूप को प्रॉपर सजाए, और उसके बाद फिर हम लोग मम्मी लोग आएगी। उसके बाद मम्मी लोग थोड़ा गीत करेगी, गीत नहीं, गीत शाम को होता है। उसके बाद मम्मी लोग पानी में जाके सूर्य भगवान का आराधना करेगी। मम्मी और दीदी लोग सबकी छत आ गई थी, और ये देख लीजिए मेरी पागल बहन को भी, मेरी पागल बहन आ चुकी है छत मेरे। अरे प्लेट। छठ महापर्व का सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो एक तरह से है सूप सजाना, जो हम लोग सूप निकालते हैं डाला से और उसको फिर सजाते हैं घाट के सामने, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे दो आप सुबह रखो देखिएगा, ये जब भी जो सूप का मुंह है वो सूर्य भगवान की तरफ है, जिस तरफ सूर्य भगवान ढल रहे हैं, और सुबह के समय पे जहाँ सूर्य भगवान उगेंगे जिस साइड से उगेंगे उस साइड रहता है, तो ये देख के नोटिस करके उसके बाद किया जाता है कि जिस साइड सूर्य भगवान है उस साइड का ही उनका मुंह रहना चाहिए, मतलब सूप का मुंह उस साइड ही रहेगा। सारा सूप सजा चुके हैं हम लोग, सारे भैया और हम लोग मिल के सूप सजा दिए हैं। सूर्य भगवान उस तरफ है, इसी के लिए मुंह भी सूप का उस तरफ है। आप लोग देख सकते हैं सूर्य भगवान जिस तरफ उस तरफ मुंह भी है, और ये हम लोग का जो घाट है वो भी रेडी हो चुका है, फुवारा भी ऑन कर दिए हैं, और यहाँ पे चल रहा है सेल्फी टाइम। मम्मी लोग पानी में उतरने से पहले दतमन करती है आम का लकड़ी से, मम्मी भी वही दतमन कर रही है, और आंटी भी करेगी, और उसके बाद मम्मी लोग पिठार लगाएगी, पूरा घाट को प्रॉपर सजाएगी, उसमें स्वास्तिक बनाएगी, उसमें जो भी शुभ चीज़ शुभ चिन्ह होता है वो सब मम्मी लोग बनाएगी अपने हाथ से। और पिठार आप लोग लास्ट व्लॉग में चेक किए ही होंगे, मम्मी बताई थी जैसे, वो हल्दी और चावल का आटा का घोल होता है। ये देख लीजिए मम्मी मेरी स्वास्तिक बना रही है। जब तक थोड़ा मोड़ा टाइम था हम लोग के पास, तो हम लोग फटाका फोड़ने लगे। दीदी को हम दे दिए फायर शॉट फोड़ने के लिए, दीदी पूरा खुश। बट भाग जाओ वहां से, हटिया हटिया हटिया। एक तो भी तुलसी ऊपर नहीं है, एक तो तुलसी ऊपर करना होगा, सुबह को चाहिए ना। सुबह में तो तुलसी इधर लटका हुआ है। फव्वारा ऑन था वो वाला, तो और मम्मी को भैया अंदर कर रहे थे मम्मी लोग को, तो भैया का पूरा शर्ट भी गीला हो जाता है देख लीजिए आप लोग पूरा, मतलब भैया जाते और फव्वारा ऑन है, तो मम्मी लोग को तो वैसे भी घाट में जाना ही था तो नहाना ही था, बट भैया व्हाइट शर्ट पहन के गए और पूरा वो गीला हो जाता है, तो फिर चेंज करना पड़ जाता है भैया को बिना मतलब का, बट ठीक है जो है सही है। तड़ी बंद कर दीजिए इसको, भैया पूरा भींग गए। भींग ना हो।
मम्मी को कुमकुम अंटी सिंदूर लगा रही है, और उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद मम्मी सूर्य भगवान का आराधना करेगी, जैसे हम बताए थे। मम्मी लोग उल्टा साइड, जिस साइड सूर्य भगवान है उस साइड रोटेट कर जाएगी, और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेगी सब चीज़ कर। क्या बोल रही है दोस्त? अब अर्घ देना चालू हो गया है, सबको अर्घ दे रहा है, और उसके बाद फिर सारा जितना भी सूप है एक एक करके पांच पांच बार अर्घ होता है सारा सूप का। तो मम्मी लोग वही सूप लेके, देख लीजिए आप लोग जैसे रोटेट होती है, और जिस तरफ सूर्य भगवान रहते हैं उस तरफ ही अर्घ दिया जाता है। मम्मी लोग ये अर्घ देना चालू कर दिए, सारा अर्घ हो जाएगा सारा सूप का, उसके बाद मम्मी लोग बैठ के गीत करेगी। आंटी का पकड़ लो। अच्छा दे। अरे दे दे भाई, दे पाँच 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 पाँच, हम सबसे पहले पाँच दे दिए, फिर हम गायब। ओनली फाइव यू कैन गिव मोर देन, बट फाइव इज कंपल्सरी। अंग्रेजी भी आता है थोड़ा सा। मामी जी लोग को भी दिखा देती हूँ, उन लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। हाँ दर्शन करा दो सबको। पिंकी गैंग इधर देखो भाई। जो जो सूप का हो गया है, देखिए जैसे उल्टा करते कर जा रहे हैं हम लोग, कि हम लोग को भी समझ में है। और जो जो सूप का अर्घ हो गया वो वापस उल्टा कर दिया गया कि हाँ इसका अर्घ हो चुका है। और वहाँ पे कोमल दीदी लोगों के घर में भी छत पे और मेरे अंदर का आतंकवादी फिर जग जाता है, तो अर्घ के बाद हम पटाखा फोड़ने में बिजी हो जाते हैं। क्या हो गया आंटी? रोटी नहीं बनाना है अभी, कोई टेंशन नहीं है। आंटी टेंशन सुबह सब्जी का। अच्छा सुबह का सब्जी का टेंशन हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चना फुलाओ क्या? कोई चीज का नहीं है टेंशन। अभी हम फड़ेगा। ओह माय गॉड। मम्मी आपको कुछ बोलना है? मम्मी तो बोला कि हम बहुत सुंदर है।
सुंदरता है अच्छा वाला सबका मनोकामना पूरा अच्छा वाला अच्छा मनोकामना अच्छा आदमी का बात खराब आदमी का बात में और जिंदगी में नहीं पूरा समझ रहे हो समझ रहे हो हो चुका है। पूजा ख़त्म होने के बाद सारा दिया को हम लोग सूप से उठा के साइड कर देते हैं। उसके बाद सारा को वापस से दौरा में पैक करके पैक नहीं दौरा में वापस से बांध के नीचे लेके जाके पूजा रूम में रख देंगे हम लोग सारा सारा सूप को वापस से जैसे लेके आए थे वैसे ही पैक करना है और सारा को वापस लेके जाके पूजा रूम में रख देना है। खत्म हो गया। लाइटिंग मस्त लग रहा है अभी फील हो रहा है कि नहीं भाई? लाइटिंग अच्छा लग रहा है। अंधेरा होने के बाद लाइटिंग में मौज आ रहा है। पूजा खत्म, सामरक का जितना भी रिचुअल्स था सारा खत्म। अब हम जा रहे हैं ये उड़ाने, फटाका भी फोड़े, मजा आया, बहुत मौज ही। ओके गाइस, सो हियर इज आवर व्लॉगर प्रिपेयरिंग फॉर स्काई लालटेन। इसके लिए हमर पति जला रहे थे तो हम लोग से हुआ नहीं, अगर जय श्री राम लिखे रहता तो पक्का उड़ जाता। इस बार ट्राई करेंगे, इफ पॉसिबल उड़ गया तो ठीक, नहीं उड़ा तो फिर जय श्री राम। अब इसमें आग लगाना है। आग बंद हो गया, माचिस करना पड़ेगा इसको। आग इसमें हम लगाएंगे अब आग। ओह ये हो गया, बहन आ जाओ वरना फिर तुम फोटो खिलाते रह जाना, हम इसमें आग लगा दे रहे। अरे हाँ ना, फिर खिंचा लेना ना दीदी। आगे मेरी पत्नी ऊपर क्यों देख रही गाइस? ये होता है फोटो गलत। चलो शायद डैडी का फोन आ रहा है। कब शुरू करेंगे? मैं फोन करो, पकड़ो लगाओ। अरे रे लेट द एक्सपर्ट कम फॉर फायर। अरे अरे उधर नहीं लगाना, थोड़ा समय लगता है। कॉर्नर पकड़ के आग लगाई, अच्छा लगेगा। खड़ा क्या भाई? तार पे आग लगी। तार से लगा तो क्यों? उधर भी लग गया, उधर भी लग गया, लग गया, लग गया। दूसरा तरफ भी, दूसरा तरफ भी। कोपचा कोपचा लगाते जाइए। हां कॉर्नर करना जितना है, कोपचा कॉर्नर जो भी है लगा दो। बता दीजिए इसको, उसको बताना। हां चली, हां चली, वही मार दो ना, अगर बत्ती मार दो ना। उड़ने के लिए तैयार? अब आओ आओ, उड़ान भरने के लिए तैयार। थ्री टू वन गो। नहीं यार, पहले इसको थोड़ा लगेगा ना हाथ में, बोल के छोड़िएगा ना। थ्री टू वन गो। और गाइस हमने का बहुत जोर बेइज्जती हो रहा है क्योंकि इसमें आई लव यू लिखा हुआ है, जय श्री राम नहीं। 3 2 1 गो। वो चल जा, मेरा ही वो चल जा, जाओ जाओ मत आओ, चला जा। ओ भैया कोई डाब का दुख तो बहुत तेज है। अरे चला जा हूं, अबे बेइज्जती कर रहा है। चला गया, चला गया, चल गया, चल गया भाई। मेरा गाइस मेरा फूंक इतना पावरफुल है, वाह देखना। देख लीजिए, मैंने एक फूंक मारा और वो उड़ गया, कितना अच्छा है। मेरा मेरा फूंक कैसा लगा बहन, वो बताओ। मौज तो आया। मून के पास, आई लव यू मून, आई लव यू टू द मून एंड बैक। आज मैच था, मतलब जितना अच्छा हम लोग सारा मैच हम लोग देखे उतना ही खराब हम लोग फाइनल देखे हैं। जब सुमन गिल आउट हुआ तो हमको लगा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, धोनी तो छोड़िए, धोनी को जो आज हम लोग मिस किए हैं एक अलग लेवल। बहुत अच्छा खेला भाई टीम, लास्ट में एक मैच, चलो कोई बात नहीं। अरे आज सुबह क्या हुआ, मेरा एक दोस्त ना मजाक में धोनी को ऐसे ही मजाक बोल रहा था, धोबी बहुत पुराना दोस्त, पहले इज्जत से बोले भाई मस्ती नहीं, कोई प्लेयर वो भी धोनी। हाँ वही तो भाई, कोई प्लेयर हम लोग का लव है भाई। हाँ
हम बोले भाई मस्ती नहीं, धोनी से मस्ती नहीं, फिर बोलते अब तो हम और बोलेंगे, हम फिर बोले, हम बोले भाई ब्लॉक कर देंगे, बोलता नहीं अब हम और बोलेंगे, सही में अभी तक करके रखे, अभी तक ब्लॉक ही है भाई। धोनी फैन सीएस के लवर, हम लोग धोनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं सत्यम? हाँ भाई, लेकिन भाई अच्छा खेला इंडियन टीम, अच्छा खेला, बट कभी कभी दिन नहीं होता है, कोई बात नहीं, सामरक के दिन हारा, अच्छा तो नहीं लगा, मम्मी तो बोली रही थी हार जाएगा। मेरी मम्मी को हम पूछे, मम्मी ऑस्ट्रेलिया के साथ है, बोली टक्कर का मैच होगा, हो टक्कर का मैच भी, सामिया के विकेट भी लिया। हाँ भाई अच्छा कमबैक भी अच्छा था, लेकिन दिन अच्छा नहीं था। हाँ केएल राहुल जो, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, अभी हम लोग जा रहे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह फिर अर्घ देने जाना है हम लोगों को, उसका व्लॉग भी मतलब उसका वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, मजा आएगा पूरा, केड़ा पूरा एकदम, जो भी हम लोग घर में प्रॉपर होता है ना पूरा वीडियो के थ्रू हम पूरा अच्छे से दिखाएं सब कोई को, क्योंकि छठी, हाँ क्योंकि छठी मैया जो होती है उसका जो भी रिचुअल्स है वो चेंज नहीं हो सकता है कि नहीं भाई? हाँ भाई, और ये हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, जब से स्टार्टिंग में जो देख रहे हैं अभी तक वही है कि नहीं? हाँ भाई, एकदम स्टार्टिंग से जो हम लोग देख रहे हैं अभी तक वही है, तो अभी आप लोगों को सुबह दिखाते हैं, फिर सुबह रख भाई, एडिट करते करते मतलब सारा रिचुअल को कवर करते करते बहुत लंबा हो गया व्लॉग, तो सुबह रख का व्लॉग अलग डालेंगे, शाम अलग का व्लॉग ये वाला है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।